सिखाने की। मेरी कुछ बहने कमेंट करती हैं कि दीदी धीरे धीरे सिखाओ ढोलक, तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको सिखा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो हमारी जो वीडियो हम देखते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन आता है, आप सेटिंग पे जाके देखना, जो वीडियो चलती है उसके राइट एंड पे तीन बिंदियां आती हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है कि हम वीडियो को स्लो कैसे करें, फास्ट कैसे करें। तो आप स्लो वीडियो करके उसे आराम से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इतनी सारी टिप्स बताई हैं, इतनी सारी टिप्स बताई हैं अपनी ढोलक वाले उसमें, मलिका की प्यारी ढोलक पे बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी ढोलक बजाना सीख सकते हो। जैसे कि कितनी भी कोशिश कर लेना आप, स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे ढोलक बजाना सीखते हैं। तो हमें खास ढोलक बजाना कैसे सीखना है, लेकिन जब हम ऐसे शुरुआत करेंगे तो हम ऐसे ही बजाना सीख जाएंगे। फिर उस ढोलक को आराम आराम से, कभी आप स्पीड में नहीं बजा सकते। जैसे कि बहुत सी बहनें होती हैं जो हमेशा धीरे धीरे ही ढोलक बजाती हैं, वो ऐसे ही सीखती हैं धीरे धीरे, और जो तेज ढोलक बजाते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग से ही तेज बजाना सीखते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे हाथ लिया, ऐसे और ऐसे मारा एक बार, फिर हम दोनों को साथ में स्टार्ट करेंगे ऐसे बजाना। अब जब तक आपका हाथ नहीं रुक रहा, जब तक का मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट तक ऐसे ही पीटते रहो, नहीं, थोड़ा सा बजाइए, कोशिश करिए 5 से 6 बार में रुक जाए, जैसे ऐसे, जैसे स्टार्टिंग किया मैंने तेज, कुछ नहीं है। आप जब वीडियो देखो तो डिब्बा ढोलक मग्गा बाल्टी कुछ हाथ में लेंगे आपको, तब आएगी ढोलक। आप मुझे तुरंत कमेंट कर देते दीदी आप ढोलक अच्छा बजाते लेकिन सिखाते अच्छा नहीं हो। तो प्यारी बहनों, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ढोलक बजाना सिखाया है। मैं शेयर भी करती रहती हूँ कि शुरुआत इस वीडियो से करें, कम्युनिटी लगाती रहती हूँ मैं उस वीडियो की। आप जब शुरुआत नहीं करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि दीदी ने अच्छा नहीं सिखाया है, लेकिन जब आप सच में ढोलक बजाना सीखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ढोलक की वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें बहुत छोटी छोटी टिप्स बताई है, कैसे शुरुआत करें, कैसे फिर हाथ चलाएं, हम कहां से कहां तक को हाथ को लेके जाएं, इस पे बेस पे इस चाटी को हम कैसे मारे, बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताई है मैंने उसमें, कि हम हमारे पास ढोलक नहीं है तो हम कैसे वीडियो ढोलक बजाना सीखें, क्योंकि आप कहीं भी हो हर जगह तो ढोलक नहीं होती है, लेकिन जब तक आपको लगन नहीं लगेगी तब तक नहीं आएगी। अगर लगन लग गई तो आप दीवार है, कुर्सी है, घुटने है, सिर है, कहीं भी पीटते रहो, आपको उसी वे में ढोलक बजाना आ जाएगा। 1 महीना लगेगा आपको। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी बड़ी भाभी को बिल्कुल ढोलक बजाना नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने ढोलक की वीडियो डालना शुरू किया है, उन्होंने चैनल खोल लिया अपना ढोलक सीख के, अब खूब अच्छी बजा लेती। मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी फर्राटेदार बजा लेती है, लेकिन फिर भी काम चलाओ अपना सीख गई है और अभी भी सीख रही है। वो उनका फोन आएगा, दीदी वो वीडियो दे दीजिए जिसमें फास्ट हाथ चलना सीखे थोड़ा, तो मैं उनको वो वीडियो शेयर कर देती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप बोलना। कई सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने एक से एक बढ़ के टिप्स बताई है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे नहीं, स्किप कर करके वीडियो देखोगे, तो आपको कैसे आ जाएगा ढोलक सीखना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ढोलक की वीडियो देखो, हमेशा ढोलक डिब्बा मग्गा बाल्टी आप हाथ में लो और प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे कि आपने ये ले ली, ठीक है, आपने ढोल वो ले लिया, वीडियो देख रहे हो आप, तो आप तुरंत उठो, डिब्बा लेके आओ, ढोलक नहीं है तो आप उसमें बजाना बंद कर लो उसे। जैसे मैंने ऐसे हाथ मारा, आप उसे बंद कर लो, आप मार के देखो कि आपके में ये आवाज आई क्या, नहीं आई है तो आप पहले यही मारना सीखो, देखो
इसको, जब तक आपके में गुमक आ जाए तब तक तो छोड़ो उसे, ऐसे ही बजाना सीखो फिर उसको। ऐसे ही चाटी है, चाटी का भी आप ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे। उसको चलाओ वीडियो को, बंद करो और फिर देखो मैंने कैसे और चलाए, कैसे चलाए, आप उसमें देख के अपने ढोलक पे डिब्बा पे कहीं भी आप ऐसे चलाना सीखो, कैसे आपको आ जाएगी ढोलक की वीडियो। तब आप ये कहोगे दीदी आपने सिखाया क्या इसमें, तो जब आप सुनोगे वीडियो को तब आपको समझ आएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या सिखाया है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, अगर आपको ये समझ आती है टिप्स तो जाके पीछे की वीडियो को देखना मेरी को, और सच में बहुत ही अच्छे से ढोलक आ जाएगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे कि हम ढोलक बजाना सीख जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसी नहीं आ रही हमें। अरे शुरुआत तो करो भाई, शुरुआत हमेशा छोटे से ही की जाती है, हमेशा हम ऐसे हाथ चलेंगे, दोनों हाथ चलेंगे ही नहीं, दोनों हाथ चलाओगे आप दोनों हाथ नहीं चलेंगे उस पर, एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सब अभ्यास की चीजें हैं, ये अभ्यास से आती है। जैसे कि हम छोटे छोटे से ABCD फिर हम पढ़ना सीखे, हम अटक अटक के पढ़ते थे, ऐसे ही ये ढोलक होती है, ऐसे सीख जाते हैं आप धीरे धीरे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप वीडियो देखना मेरी जाके, पुरानी पुरानी वीडियो है, कई सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, पॉपुलर में जाके देखना, पॉपुलर में मिल जाएगी आपको। मलिका के देहाती डोला गीत पे 1 लाख के लव हुए उस पर भी हुए, उसमें तो मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई थी, लेकिन आपने वीडियो देखी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। छोड़ रही हूँ इसको, अगर आपको समझ आए तो वीडियो को देखना जा जाके, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स दी है मैंने उसमें, आप ऐसे कमेंट कर जाते हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।